हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मान किचन। तो दिवाली के सारी मिठाइयों में से एक बहुत ही पुरानी और सबसे जल्दी बन जाने वाली एक मिठाई होती है जिसका नाम होता है शक्करपारा, या बहुत सारे लोग इसे शक्करपाली भी कहते हैं। तो आज हम वही बना रहे हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको सारे अपडेट मिले। तो चलिए बढ़ते हैं शक्करपाली की रेसिपी की तरफ। तो इसे दो तरीके से बनाया जाता है। पहला तरीका, जहाँ मैदा और चीनी दोनों को एक साथ गूंद लिया जाता है और फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसे तल लिया जाता है। दूसरा तरीका होता है कि पहले आप मैदे का एक आटा सान लें, उसे गूंद लें और चाशनी में डुबोएं। तो आज हम चाशनी वाले बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिया 250 ग्राम मैदा, इसमें मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम पिघली हुई, यानी मैंने घी को गर्म करके पिघला लिया है, घी डाल रही हूँ 100 ग्राम। पहले तो इसे चम्मच से मिला लें क्योंकि घी गर्म है, फिर उसके बाद इसे हाथों से मसलते हुए आप मिलाएं। तो इस तरीका का एक जो है ना शेप बनना चाहिए, उतना हमें इसमें घी डालना है। तो इसे मिला लें और अब धीरे धीरे पानी डालते हुए हमें इसका आटा गूंदना है। तो आटा जो है वो ना ज़्यादा नरम लगाए ना ज़्यादा कड़क लगाए, हमें मीडियम तरह का आटा गूंदना है। तो देखिए, आटा मैंने गूंद कर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे ढक देना है और 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तो 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका आटा जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो थोड़ा इसे वापस से मल दे अच्छे तरीके से। अब एक बॉल की आकार का आप लोई निकालें, उसे गोल करके चौके पे आप अच्छी तरीके से बेल लीजिए। रोटी से ज़रा सा मोटा बेलें, हमें रोटी की जितना पतला नहीं बेलना है। अब आप चाहे तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं, मेरे पास ये कटर है, मैं इससे इसे कट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे चौकोन शेप में कट कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो आप डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए ये तैयार है और इसी तरीके से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब ये तलने के लिए तैयार है। तो कढ़ाई में करिए तेल को गरम, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तेल के गरम होते हुए हम एक एक करके धीरे धीरे डालें, ज़्यादा एक साथ ना डालें। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे तलना है, क्योंकि अगर आपने इसे फास्ट करके तला ना तो कुछ जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, कुछ लाइट कलर में रहेंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो इनका क्रिस्पी बनना और एक एक समान इनका तलना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर तलेंगे। तो ये देखिए, जैसे ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तो बस आप इसे निकाल लीजिए। कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी तरीके से बाकी बचे हुए को भी तल लीजिए। तो ये देखिए, हमने सारे तल लिए हैं। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बने। देख रहे हैं आप, दो उंगली से टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने। तो अब हमें करनी है चाशनी की तैयारी। तो लो फ्लेम पर हमें रखना है पैन। 250 ग्राम हमने लिया था मैदा, तो 250 ग्राम हम लेंगे चीनी। 250 ग्राम चीनी में मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास पानी। लो फ्लेम पर गैस को चालू करिए और इसे चलाते हुए पकाइए। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है वो गल चुकी है। तो यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इसमें जो है अच्छा बबल आ गया है और हमारी जो चाशनी है वो धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। तो अब इसको चेक करने का एक तरीका बताती हूँ। एक प्लेट में जो है आप हल्का सा एक दो चम्मच पानी ले लीजिए और उसमें चाशनी की कुछ बूंदें डालिए। अगर वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे से पक रहा है। और आप देखेंगे हाथ में लगा कर कि इसमें जो है वो एक तार की चाशनी, आप देख रहे हैं एक तार जैसा बन रहा है, इसी को कहा जाता है एक तार की चाशनी। तो चाशनी तैयार है, गैस को कर दीजिए बंद। अब मैं यहाँ पर डालूँगी एक चम्मच घी। घी डालने से जो है ना, जब हम इसमें हमारे पारे डालेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं। तो शक्कर पारे को चाशनी में डुबोने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप थोड़े से डाल ले इस तरीके से और निकाल ले, पर इसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने जितने भी फ्राई करके रखे उसे एक साथ डाल देती हूँ और चम्मच की सहायता से इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। तो आप इसे थोड़े टाइम तक अच्छे से मिलाते रहें, जिससे जो है शक्कर ठंडी होती जाए तो उसकी जो लेयर है, जो उसकी कोटिंग है, वो अच्छे से होते जाए। तो अब आप देख सकते हैं शक्कर जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। और क्योंकि मैं इसको कंटिन्यूस मिला रही थी तो सारे के सारे पारों पर अच्छे से जो है कोटिंग हो चुकी है। घी डालने की वजह से आप देखिए ये बिल्कुल भी एक दूसरे को चिपक नहीं रही है। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितने क्रिस्पी बने, दो उंगली से टूट जा रहे हैं। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताए हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो एकदम परफेक्ट शक्कर के पारे जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए मान किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।